नमस्कार, आई मैं अंजनी कुमार गुप्ता, योर प्लेट प्रमोटर क्रॉनिक। आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक बेहद खूबसूरत रचना, कैलाश खेर जी की आवाज में है ये, और ये साउंड ऑफ ईशा का ये गीत है। बहुत खूबसूरत गीत, गाना मधुमावती राग में आधारित है, जो कि हमारे हिंदुस्तानी राग मधुमात सारंग या मध्यमादि सारंग के नाम से जाना जाता है। इसके लिए जो मैंने फ्लूट सेलेक्ट किया है वो है ई बेस पूनम, ओरिजिनल ट्रैक भी ई स्केल में है। आई गाने का ओरिजिनल ट्रैक यहाँ नहीं ले रहे हैं, और हम यहाँ पर गाने का मेरे पास लिरिक्स है, उसको देखेंगे और इसको सीखेंगे। पहला लाइन, दूर उस आकाश की गहराइयों में, मध्यमावती पर आधारित मेरे कई क्रिएशंस हैं, और साउंड ऑफ ईशा से रिलेटेड वो गाने हैं, उसको आप भी आप जरूर देखिए, तो ये इस गाने को बजाने में और समझने में बहुत आसानी होगी। इसमें जो स्वर लग रहे हैं वो है सा रे मा पा कोमलनी और सा, और कहीं कहीं पर शुद्ध दैवत और कहीं कहीं पर कोमल गंधार का प्रयोग हो रहा है। सा 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 नी सा रे, इसको और अच्छे से लेना है ग्रेस नोट के साथ, तो नी सा 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 नी सा 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 नी कोमल सा नी सा रे, इस तरह से आप बजाइए। उम्मीद करता हूं ये नोट्स आपको समझ में आ रहा है। अगली लाइन में, एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, पानी नी नी पा पानी नी नी पा नी सा 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 पा, सा से पा का एक बहुत लंबा मीड है, नी सा 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 पा। सुन सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, निसा सा 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 निसा सा 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 नी सा रे। सा 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 नी सा 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 नी सा रे। चौथा लाइन, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी, पानी नी नी पा पानी नी नी पा नी सा 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 पा। अगला लाइन, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन, सारे निसा सारे निसा सा सारे निसा सा नी सारे निसा, योग के स्पर्श से एक शब्द है अब, तो सा प उसके लिए सा प, सारे निसा सानी सारे निसा सा प। पानी मा पा मारे रेमा सारे सानी, तो हमारे पास आ गया अब योग में करना है तन, योग में करना है तन, तो पूरा लाइन ऐसा। अगला
के स्पर्श से योग में करना है। तो आइए, ये पूरा पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया। अब हमारे पास है थर्ड पैराग्राफ, वो कहता है सांस से शाश्वत सानन सानन। और इसमें याद रखिएगा कि हम मध्यम आवर्ती राग में हैं या मधुमाता रंग में हैं, तो शुद्ध मध्यम हल्का हल्का कर्ण स्वर में लग रहा है सा से सा। इसको फिंगर को थोड़ा ढीला छोड़े, सारे रे रे मरे सा, है ना, सारे रे रे मरे सा, इस तरह से वो एक हरकत है, ठीक है ना, खटका लगाना है सारे रे 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 मरे सा। अब उसको बात कहते हैं आदियो। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ, योग धारा छलक छन छन, सांस शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन घनन घन। सारे रे 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 सा 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 नी सा। अब इसमें अगर खटका लगाएंगे तो सारे रे 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 मरे सा 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 नी सा, सारे रे 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 मरे सा 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 नी सा, तीन बार लगाना है सारे रे 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 मरे सा 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 नी, सारे रे 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 मरे सा 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 नी सा। नी से सा का एक खूबसूरत सा मीर है, इसको लेना। ऐसे तीन बार आपको लेना है। इस तरह से हमने लिया। अब उसको आता है उते मुझे में आदियोगी। यहां पर ये उतरे मुझ में आई आदियोगी, ये दो बार हम लेते हैं और दो अलग स्टाइल से लेते हैं। देखिए, पमानी पमार सा उतरे मुझे में आदियोगी। फिर उसके बाद पानी था पमार सा उतरे मुझे में आदियोगी। ये हमने यहाँ तक का पाठ किया। अब इसको इसके बाद हमारे पास आता है अगला। इसके बाद का पाठ है बहुत खूबसूरत, पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। इस अंग में यहाँ पर थोड़ा जौनपुरी अंग दिखता है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि हम मध्यमावती का अंग है यहाँ पर, क्योंकि इसमें क्या कोमल निषाद और कोमल धैवत का बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनता है, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ का जो पार्ट है वो जौनपुरी अंग जैसा है। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में जाकर जरूर मुझे बताइएगा ये आपको क्या लगता है, यहाँ जौनपुरी है या मध्यमावती है, इसके बारे में जरूर मुझसे डिस्कशन जरूर कीजिएगा। मेरा ज्ञान बहुत कम है, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया उसके हिसाब से ये दिखता है। अगर आपको भी कुछ समझ में आया है तो मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर। पापा
ये ट्रांजिशन थोड़ा बांसुरी वालों के लिए हार्ड है। मामा पापा निधानी पापा निधनी पापा। अगला लाइन कहता है पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। पानी नी पामा मामा पासा निधनी पा। ऐसा है तो हमारा टोटल नोट जैसा है देखिए। अगला लाइन आता है भस्म आदि रस्म कर दो आदि योगी योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। निसा सा 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 प निसा सा सा प सा निसारे तो हम यहां तक आ गए। उसके बाद योग योग उत्सव रंग भर दो आदि यादि होगी। यहां तक क्लियर हो गया। बजे उठे ये मन सितारी झनन 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 सांस साधो। ले लिए बजे उठे ये सारे निसा सा नि सारे निसास सारे निसा सा नि सारे निसा नि प पानी मापा मारे रेमा सारे सा। उसके बाद सा से सा स्वर क्षमा कीजिएगा सा से सा स्व साना सान प्राण गुंजन घनन घनन। फिर ये हमारा ये रिपीटेशन चलने लगता है। अब ये गाना यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। अब आइए इसका फ्लूट कवर देखिएगा जिसे मैंने अलग से शूट किया है और इसके साथ फिर मैं इसे अटैच कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये फ्लूट लेसन और कवर आपको बहुत पसंद आएगा। साउंड ऑफ ईसा के कई फ्लूट लेसन हैं, आप उन्हें जरूर देखिए और मेरे वीडियो में जरूर लाइक्स और कमेंट्स कीजिए, हो सके तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। फ्लूट लेसन लाया गया मिस्टर धनंजय राजी के द्वारा जो कि बिहार के लखीसराय में रहते हैं। थैंक यू कीप वॉचिंग मी अंजनी कुमार गुप्ता योर फ्लूट प्रमोटर।